नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आप लोग लाइव आ जाइए भैया। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, तो आज उसके कुछ एमसीक्यू हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग लाइव आ जाइए। आप लोग लाइव आ जाइए भैया। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। क्या आवाज आ रही? ठीक, शुरू करते हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो पढ़ ही लिया था, आज उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भैया, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। सी वाला ऑप्शन भैया 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। डी वाला निश्चित नहीं हो सका है। तो कौन सा ऑप्शन सही भैया कमेंट बॉक्स में बताइए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भैया। आप लोग कमेंट करिए भैया। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है भैया वो कितना है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कैसे माना गया है? तो रेडियो कार्बन 14 की नवीन पद्धति के आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है भैया वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं। आप लोग बताते रहिए भैया। हाँ महिपाल मौर्या जी, बी वाला ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो वाला बी ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी भैया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पहला ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी वाला चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। आप लोग बताइए भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो भैया थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी भैया। सिद्धार्थ कुमार भैया, ये जो आंसर है वो ग्रीक की सभ्यता, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी भैया। हाँ भैया महिपाल मौर्या जी, डी वाला ऑप्शन, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्यों समकालीन नहीं थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्यों समकालीन नहीं थी भैया। ग्रीक की सभ्यता को भैया तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया। जो तीसरा कालखंड बांटा गया भैया, तीसरा कालखंड जो इसका माना जाता है वो कितना माना जाता है? तीसरा कालखंड भैया वो माना जाता है आपका 323 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व, 23 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता का समय काल
ग्रीक की सभ्यता के समय काल को तीन भागों में बांटा गया है। जो तीसरा कालखंड माना गया है वो 330 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व माना गया है। और ग्रीक की सभ्यता को और क्या कहा जाता है भैया? तो इस सभ्यता को मोनोनियन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या सभ्यता कहा जाता है भैया? मोनोनियन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मोनोनियन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मोनोनियन सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता को भैया मोनोनियन सभ्यता भी कहा जाता है। मोनोनियन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो एक देवता होते हैं ग्रीक में या यूनान के देवता है मोनोनियन। क्या नाम होता है उनका? मोनोनियन। देवता के नाम पर इस सभ्यता का नाम मोनोनियन सभ्यता भी पड़ा भैया। कौन सी सभ्यता कही जाती है भैया? मोनोनियन सभ्यता भी कहा जाता है। और भैया इसकी खोज अगर पूछ लेता है कि ग्रीक की सभ्यता की खोज किसने की थी, तो खोज जो की थी भैया, खोजकर्ता जो रहे वो स्लीमैन के द्वारा की गई। किसके द्वारा भैया की गई? स्लीमैन के द्वारा की गई। हेनरी स्लीमैन के द्वारा किसकी खोज की गई भैया? ग्रीक की सभ्यता की खोज की गई भैया। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के भैया समकालीन नहीं थी। तो बी वाला ऑप्शन जो है भैया वो सही है। ठीक, बाकी जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो चीन की सभ्यता जो थी, ये तीनों सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। और ये तीनों सभ्यताएं जो भैया थी, ये मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भैया? ग्रामीण सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भैया? नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कौन सा ऑप्शन सही है भैया। दिख रहा भैया? पहला क्वेश्चन तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पहला ऑप्शन है पंजाब, पहला ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी वाला ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी ऑप्शन है भैया पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? शहरी सभ्यता भैया सिद्धार्थ कुमार अपने यहां की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता भैया। कौन सा ऑप्शन भैया सही है इसमें? तीसरे का आप जो कमेंट करें भैया तो उसमें लिख दीजिएगा कि तीन का डी, चार कहां, ऐसे सिद्धार्थ कुमार ऐसे बता दीजिए, तीन का डी से। ये जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी भैया वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी भैया। ये आपका ये मांडा हो गया भैया, ये मांडा हो गया, ये सुतकांगेलोर हो गया भैया, सुतकांगेलोर, ये आपका दैमाबाद हो गया, दैमाबाद, और ये आपका आलम गीरपुर, ये आलम गीरपुर, ये आपका भैया उत्तर का हिस्सा था, ये आपका पूरब का हिस्सा था, ये आपका दक्षिण का हिस्सा था भैया, और ये आपका पश्चिम का हिस्सा था, पश्चिम का हिस्सा था। ठीक भैया, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में फैली थी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं भैया। तो पहला ऑप्शन है सुरकोटदा से मिले हैं, बी वाला ऑप्शन बनावली से मिले हैं, सी ऑप्शन मांडा से मिले हैं, डी ऑप्शन कालीबंगा से मिले हैं भैया। आप लोग बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? हां सिद्धार्थ कुमार, चार का ए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं भैया वो सुरकोटदा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। कहां से मिले भैया? सुरकोटदा से मिले हैं। और सुरकोटदा की खोज किसने की थी? सिद्धार्थ बताइए कमेंट बॉक्स में, सुरकोटदा की खोज किसके द्वारा की गई थी तथा यह किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए भैया सुरकोटदा की खोज किसके द्वारा की गई तथा यह किस नदी के किनारे स्थित है भैया? कमेंट बॉक्स में बताइए। सिद्धार्थ पढ़ के आए होंगे आज,
बताइए भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सुरकोटदा कच्छ के रण में स्थित है। कहां स्थित है भैया? कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है भैया? गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है भैया? कच्छ के रण में स्थित है गुजरात। हाँ भैया, जगपत जोशी के द्वारा की गई थी गुजरात। इसकी खोज जो कब खोज करता जो रहे भैया, खोज किसने की? तो खोज की गई इसके द्वारा भैया जगपत जोशी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भैया? जगपत जोशी के द्वारा की गई। कब की गई भैया? तो 1967 में की गई। कब की गई भैया? 1967 में सुरकोटदा की खोज की गई। ठीक भैया। दूसरा भैया, जगपत जोशी के द्वारा 1967 में की गई। किस नदी के किनारे स्थित है नदी? अगर नदी की बात करता है तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। सॉरी, किस नदी के किनारे स्थित है भैया? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है भैया? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है भैया? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब ये हुआ भैया सुरकोटदा। अब आप लोग बताइए कि बनावली की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताओ भैया, बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी भैया? जो भैया बनावली है, बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। बिष्ट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1973 और 74 में की गई थी भैया। ये बनावली कहाँ स्थित है भैया? तो हिसार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिसार। हिसार कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में पड़ता है। तो ये वहां स्थित है। ठीक है, मांडा कहाँ स्थित है? तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? अभी मैंने बताया कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन है भैया राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। बी वाला ऑप्शन गुजरात में स्थित है। सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है भैया, वो कहाँ स्थित है भैया? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? राजस्थान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए वाला सही है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। पांच का गुजरात बता रहे हैं कौन? महिपाल मौर्य। भैया गलत है, कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? पहला ऑप्शन है सिलखड़ी, दूसरा है कांसा, सी तांबा, डी लोहा। सिद्धार्थ कुमार ए। तो सेल खड़ी का प्रयोग भैया मोहरों बनाने में किया जाता था। सेल खड़ी का प्रयोग मोहरे बनाने में किया जाता था। और सेल खड़ी जो खड़िया होती थी, पहले बचपन में जो हम लोग स्लेट पे लिखा करते थे भैया खड़िया से, ये वही सेल खड़ी है, खड़िया जिसको कह सकते हैं। ठीक, तो इसका प्रयोग जो किया जाता था वो मोहरों बनाने में किया जाता था। सेल खड़ी जो भैया प्राप्त की जाती है राजस्थान में, सर्वाधिक राजस्थान से सर्वाधिक प्राप्त की जाती है। ठीक भैया, तो सेल खड़ी इसका ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था भैया। किसका किया गया था? सेल खड़ी का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपको बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पहला है कांस्य युग की थी, बी वाला ऑप्शन नौपाषाण युग की थी,
सी ऑप्शन पूरा पाषाण काल की थी, डी लौह युग की थी। कमेंट बॉक्स में बताइए भैया हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी भैया कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी भैया बताइए। सिद्धार्थ बताइए हड़प्पा सभ्यता भैया कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य युग की सभ्यता थी भैया, कांस्य युग की सभ्यता थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हाँ भैया सिद्धार्थ ये वाला ऑप्शन सही है, कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आप लोग बताइए हड़प्पा सभ्यता की निवासी थे। पहला ऑप्शन है ए ग्रामीण थे, बी शहरी थे, सी खानाबदोश थे, डी जनजातीय थे। बताइए भैया इसका ऑप्शन कौन सा सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। इसका बताइए भैया नौ का बताओ भैया। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, महिपाल महोदय नौ का ए। अभी मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे भैया वो कैसे थे? शहरी थे। ये कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। वाह हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी भैया? शहरी सभ्यता थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी भैया? शहरी सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था थी यहाँ पर, यहाँ पे पक्की सड़कें हुआ करती थी भैया, पक्की नालियां हुआ करती थी। इस सभ्यता में पक्की नालियां पक्के घर हुआ करते थे, ईंटों का प्रयोग किया गया था, रंगत ईंटों का प्रयोग किया गया था भैया। किस सभ्यता में किया गया था सबसे ज्यादा? तो हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। इसलिए यहाँ की सभ्यता जो कैसी थी भैया? शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। महिपाल महोदय कोई बात नहीं भैया, ठीक है गलती होगी तभी सीखेंगे आप, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं। ठीक भैया नौ का जो होगा वो बी वाला सही है। ठीक भैया सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे भैया? ईंट से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे। बताओ भैया सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अभी वाला बताइए, अभी मैंने बता दिया है आप लोग बताइए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दस का एक बिल्कुल सही है सिद्धार्थ। सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे भैया वो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ईंटों का जो अनुपात था वो भैया कैसा था? जो भैया ईंटें थी ईंटों का अनुपात कैसा था बताओ भैया। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घर सभ्यता के घर जो थे वो पक्की ईंटों से भी बनाए जाते थे। जो बाहर का दुर्ग था भैया सिद्धार्थ कुमार वो कच्ची ईंटों का बना हुआ करता था। ठीक सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया और कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया भैया। ठीक ईंटों से बनाए जाते थे लेकिन इनका अनुपात बताओ कि ईंटों का अनुपात जो था वो कैसा था भैया? जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे तो उसमें जो ईंटें लगती थी ईंटों का अनुपात मैंने बताया था लास्ट क्लास में मतलब शुक्रवार को। तो आप लोग बताइए कि ईंटों का अनुपात क्या था भैया? लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था जो भैया ईंटें होती थी ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था उनका जो अनुपात होता था वो 4:2:1 हुआ करता था। जो लंबाई है भैया वो 4, जो चौड़ाई है भैया वो 2 और जो ऊंचाई होती थी ईंटों की वो 1 हुआ करती थी। 4:2:1 के अनुपात में ईंटें बनी होती थी भैया। ठीक ठीक भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन से सर्वप्रथम थे? हाँ भैया हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यहाँ पे मैं कर लीजिएगा भैया
में सर्वप्रथम थे। ये बताइए ये क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं में थे, कांसे के औजार में थे, कपास में थे भैया, कपास में थे या दी जो में थे, बताओ भैया कमेंट बॉक्स में। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बताओ भैया। हड़प्पावासी भैया किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी भैया कपास की खेती में सर्वप्रथम थे। किसमें सर्वप्रथम थे भैया? तो कपास की खेती में सर्वप्रथम थे, और यूनानियों के द्वारा कपास को क्या कहा गया भैया? कपास को क्या कहा गया? सिंडॉन कहा गया। क्या कहा गया? सिंडॉन कहा गया। क्या कहा गया भैया? सिंडॉन कहा गया। ग्यारह का बी महिपाल, कांसे के औजार, कांसे के औजार नहीं उपयोग में लाए जा रहे थे भैया, जो कपास की खेती में, ये यूनान कपास की खेती में सबसे ज्यादा सर्वप्रथम थे। कहां के लोग थे भैया? तो हड़प्पा वासी थे, ठीक। और यूनानियों के द्वारा क्या कहा गया कपास को भैया? सिंडॉन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बताइएगा भैया, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोई बात नहीं, महिपाल हिस्ट्री क्लास नहीं ली थी तो देख लेना जाके, बाद में हो जाएगा, ठीक भैया, क्लियर हो जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। क्लास देख कर आएंगे तो आप जरूर यहाँ पे अपना, मैं पूरा नहीं कहता हूँ 100% आप देंगे, आप 90% जरूर क्वेश्चन हल कर लेंगे, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक, अगर आप क्लास देख लेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी भैया? किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन आर डी बनर्जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए कनिघम के द्वारा की गई थी, डी दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिद्धार्थ बाला का सी, ए कनिघम कहां से आ गया बताओ भैया? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। कब की गई भैया? 1921 में की गई। किसके द्वारा की गई भैया? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और किसके नेतृत्व में की गई? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की गई। किसके अध्यक्षता में? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की गई। कब की गई भैया? 1921 में की गई, ठीक है महिपाल। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला सही है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन था भैया, बी लोथल था, रोपड़ था, मोहनजोदाड़ो था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? एकमात्र बंदरगाह था, वही आपको बताना है कि एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, आप लोग बताइए भैया। सिंधु घाटी का कौन सा था भैया? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? 13 का बी, ठीक भैया। सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर है भैया वो कौन सा था? लोथल था। कौन सा था? एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था वो कौन सा था? लोथल था। अच्छा ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये बता दीजिए, नदी किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तब तक मैं बता रहा हूं, यहां से लोथल से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई भैया? फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है भैया ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा।
भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा के किनारे स्थित है। ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक है भैया, लोभी, लोभी, लो से लोथल, भी से भोगवा, याद रखना लोभी, ठीक, लोभी भोगवा, ठीक। इसकी याद करना ट्रिक, किस नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो? तो मौसी, मौसी, ये ट्रिक है भैया, ठीक। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है भैया? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक से, सिंधु नदी के किनारे स्थित है भैया। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हाँ भैया सिद्धार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैमाने की खोज ने क्या सिद्ध कर दिया है कि घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे? या खोज कहां पर हुई थी भैया? ये बताइए, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, या खोज कहां पर हुई? पहला ऑप्शन है भैया कालीबंगन से हुई, बी ऑप्शन हड़प्पा से हुई, सी ऑप्शन चंद्रमुद्रो से हुई, डी ऑप्शन लोथल से हुई भैया। बताओ भैया, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यहाँ पे परिचित है भैया, परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई भैया? सिद्धार्थ कुमार बताओ भैया, कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनहुद्रो, डी लोथल। तो पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि घाटी के जो लोग थे वो माप तौल से परिचित थे, ये जो ऑप्शन सही होगा वो लोथल से सही है। कहां से भैया? एक मार पत्तन नगर लोथल को कहा जाता है, एकमात्र बंदरगाह लोथल था, तो जब सामान आता था और सामान वहां से लगता था, तो ये कॉमन सेंस की बात है, नहीं योगेश कुमार, एक कॉमन सेंस की बात है कि पत्तन नगर किसे कहा था? लोथल को कहा जाता था। जब सामान आएगा, सामान उतरेगा, तो उसकी माप या तौल तो जरूर की जाएगी ना, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा भैया? डी लोथल। पैमाने की खोज ने क्या सिद्ध कर दिया कि घाटी के लोग माप और, कोई बात नहीं सीधा छोंग हो गया, कोई बात नहीं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, या कुछ कहां पर हुई? तो यह खोज भैया लोथल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये वाला ऑप्शन आप लोग बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही बताएंगे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था भैया? पहला ए शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री में विभाजित था। दूसरा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। सी ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। डी ऑप्शन राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में। आप लोग बताइए किन भागों में विभक्त था, किन वर्गों में विभक्त था भैया? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था बताइए भैया, ये वाला क्वेश्चन बताइए। नो इंटरनेट कनेक्शन है, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, एक मिनट भैया, एक मिनट वेट कर लीजिए। आवाज आ रही भैया? महिपाल आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही भैया? हेलो, ठीक। जो हड़प्पा कालीन समाज था वो भैया चार वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग जिसे विद्वान कहा जाता था, यहां पर अगर विद्वान की जगह पर अगर ब्राह्मण भी आएगा तो वो भी सही होगा। ब्राह्मण, योद्धा,
व्यापारी और श्रमिक में बटा हुआ था, विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक में बटा हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा, हड़प्पा कालीन समाज जो था वो भैया चार भागों में बटा हुआ था। हाँ भैया, विद्वान योद्धा व्यापारी श्रमिक भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यह क्वेश्चन बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, बी सिंधु सभ्यता है, सी सिंधु घाटी सभ्यता है, इनमें से कोई नहीं। 16 का बताइए भैया आंसर। भैया सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? 16 का सिंध, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं, सी। ये क्वेश्चन डाउटफुल है लेकिन एसएससी ने इसको जो आंसर माना है भैया वो जो माना है इसमें दोनों ऑप्शन ही सही, ये दोनों ऑप्शन सही है भैया, ये दोनों ऑप्शन सही है। एसएससी ने जो माना है वो कौन सा आंसर माना है भैया? तो एसएससी ने जो माना है वो हड़प्पा सभ्यता को माना है। इसको माना था भैया हड़प्पा सभ्यता को माना है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सही है, सिंधु घाटी सभ्यता भी सही है और हड़प्पा सभ्यता भी का सही है। लेकिन एक तर्क ये है कि हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया भैया, इसलिए जो इसका नामकरण के आधार पर किया जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता सही होगा। कौन सा सही होगा? हड़प्पा सभ्यता सही है जो एसएससी ने तर्क दिया। ठीक भैया, बाकी ये दोनों सही है, हड़प्पा सभ्यता भी सही है और सिंधु घाटी सभ्यता भी सही है। ठीक भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ये क्वेश्चन आप करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है करते हैं? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, उनके विशाल महल और मंदिर होते हैं। बी वे दोषियों और देवताओं दोनों की पूजा, दोषियों नहीं होगा भैया यहाँ पर, देवियों होगा, ये गलत प्रिंट हो गया, देवियों यहाँ पे होगा भैया, देवियों। देवियों यहाँ पे होगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन कथनों को चुनिए। इसमें से कौन सा सही है? केवल दो सही है, बी वाला ऑप्शन केवल एक और दो सही है, सी ऑप्शन एक दो और तीन सही है, इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही है भैया? 17 का बताइए कौन सा सही है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, हमने कभी, हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया तो हमने ये बताया कि किसी भी मंदिर के प्रमाण मिले, तो ये गलत हो गया ना, पहला ऑप्शन उसके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, महल तो थे लेकिन मंदिर नहीं थे वहां पर, तो पहला ऑप्शन गलत दिया। दूसरा था कि वे देवियों की पूजा करते थे, देवी पूजा की जाती थी, गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया उसकी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, करते थे कि नहीं करते थे? तो दोनों की पूजा करते थे, ये वाला ऑप्शन तो सही है। फिर सी वाला ऑप्शन है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। कहीं से क्या ऐसा प्रमाण मिला है भैया कि वे घोड़ों में, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते हुए दिखाए गए हैं, या कहीं मिला है प्रमाण ऐसा? नहीं मिला है ना, तो इसमें से कौन सा सही है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया? केवल दो सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही भैया? केवल दो, ये वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है भैया, सिद्धार्थ, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साथ नहीं मिले हैं, ये भी आपको पता है, वहां पे रथ के युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन ये साक्ष्य जरूर मिला है कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक भैया, नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी, 1942 ईस्वी में हुई थी, 1901 ईस्वी में हुई थी, 1921 ईस्वी में हुई थी।
तो हड़प्पा सभ्यता की खोज भी आ, इसके पहले मैंने बताया ही कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज भी थी भैया कब हुई थी, 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया, ये बताइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला, उन्हें अश्वमेघ का जानकारी थी, अश्वमेघ की जानकारी थी। बी वाला ऑप्शन, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी, उन्होंने पशुपत की सम्मान करना आरंभ किया, उन्होंने पशुपत का सम्मान करना, यहाँ पर क्या होगा नहीं, वहां पर उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ किया। डी, उनकी संस्कृत सामान्यता स्थिर नहीं थी। क्या ऐसा था कि हमारी सभ्यता जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी भैया वह स्थिर नहीं थी? ऐसा तो नहीं था। स्थिर का मतलब कि एक जगह रुक जाना, तो क्या हमारी सभ्यता रुकी हुई नहीं थी? दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ किया, तो वो पूजा करते ही थे, पशुपत नाथ की पूजा करते थे कि नहीं करते थे? तो ये वाला ऑप्शन सही है, उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ किया, भगवान शंकर की पूजा करना आरंभ किया। कहां के लोगों ने शुरू किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ किया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ किया भैया। हाँ सिद्धार्थ, 1980 सही है। ठीक भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ये वाला क्वेश्चन बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, उचित समतावादी थी, वर्ण आधारित थी, दास श्रमिक आधारित थी, जाति आधारित थी, ये वाला बताइए। इसमें बताइए भैया, 20 वाला बताइए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी, बताओ भैया कौन सा ऑप्शन बहुत अच्छा है? इसमें से आपको बहुत अच्छा ढूंढना है। 20 का ए सही है सिद्धार्थ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी भैया उचित समतावादी थी। कैसी थी भैया? उचित समतावादी थी। कैसी थी भैया? उचित समतावादी थी। इस व्यवस्था में जो था भैया, इस व्यवस्था में संपन्न और सम्मत व्यक्ति के साथ साथ निर्बल वंचित व्यक्तियों के आत्म विकास के अवसर प्रदान किया गया। संपन्न व्यक्ति लिख सकते हैं, संपन्न तथा निर्धन व्यक्तियों के आत्म विकास के अवसर प्रदान किए जाते थे। संपन्न तथा निर्धन व्यक्तियों के आत्म विकास के अवसर प्रदान किए जाते थे। यही व्यवस्था जो कहलाती है वो उचित समतावादी व्यवस्था कहलाती है भैया। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? उचित समतावादी व्यवस्था कहलाती है। ये बता रहे हैं भैया योगेश कुमार बी, ये दास श्रमिक आधारित व्यवस्था नहीं थी भैया। यहाँ की जो व्यवस्था थी भैया उचित समतावादी व्यवस्था थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। उचित समतावादी का मतलब सबको साथ में लेकर काम करने की पद्धति को ही उचित समतावादी कहा जाता है। ठीक भैया, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। सारे वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से काम करते थे। ठीक भैया, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो वर्ण आधारित व्यवस्था थी कि जाति आधारित व्यवस्था थी, दार्शनिक आधारित व्यवस्था थी। जो वहां की व्यवस्था थी भैया वो कैसी व्यवस्था थी? उचित समतावादी व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सिंधु का नकलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु का नकलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। नकली स्थान का अर्थ होता है भैया, नकली स्थान का अर्थ देख लेना कि क्या अर्थ होता है इसका, नकली स्थान का अर्थ। नकली स्थान का अर्थ जो होता है,
मरुस्थलों के बीच, मरुस्थलों के बीच स्थित हरे भरे दरख्तों का मतलब पेड़ों का भी नहीं दिखा रहे। नकली स्थान का अर्थ है भैया, नकली स्थान बाग का जो अर्थ होता है भैया, इसका जो अर्थ होता है मरुस्थलों के बीच स्थित हरे भरे दरख्तों का समूह ही क्या कहलाता था? मरुस्थलों के बीच हरे भरे दरख्तों का समूह ही क्या कहलाता था भैया? नकली स्थान कहलाता था। क्या कहलाता था भैया? नकली स्थान कहलाता था। सिंधु का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा गया? तो भैया नकली स्थान जो कहा गया वो मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसको कहा गया भैया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है भैया। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगर मोहनजोदड़ो को और क्या कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को भैया मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और नकली स्थान का बाघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघ भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा ठीक भैया। क्या कहा जाता है? बाघ कहा जाता है। 21 का बी, हाँ सिद्धार्थवान बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार का था भैया? हाँ भैया, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ए वाला ऑप्शन वर्गाकार था भैया, बी वाला ऑप्शन आयताकार था, सी त्रिभुजाकार था, डी गोलाकार था। कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र का आकार था वो कैसा था? सिद्धार्थ भाई इसका सी ठीक भैया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था भैया वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था भैया? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। आपको बताना है, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइए ये वाला आंसर। सूची एक के जो स्थल है वो सूची दो में नदी दी है, उनको आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था भैया? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? आदि काली बंगा किस नदी के किनारे स्थित था? यहाँ पे बंगा नहीं होगा भैया, घग्गर होगा। घग्गर 23 का ए, 23 का बी। महिपाल मौर्य जी ध्यान से करिए, इसमें तो ऑप्शन सही होगा। जो हड़प्पा है भैया वो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। काली बंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक, याद रखिएगा, हरा हरा जो होगा ये वैक्टिक है। हरा हा से हड़प्पा, हा से रावी, रावी नदी के किनारे स्थित है। मौसी मोहनजोदड़ो, सा से सी से सिंधु। लोथल लोभी, लोभी लो से लोथल, भी से भोगवा। कंघा, कंघा याद रखेंगे, कंघा का से काली बंगा और घा से घग्गर नदी। किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला सही होगा भैया, ए वाला ऑप्शन। एक दो तीन चार, हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, काली बंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा सर आपका, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था भैया? ये क्वेश्चन भैया गलत टाइप हो गया ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये बताइए भैया, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपको बताइए,
बताओ भैया, सैंधव सभ्यता में अलंकरण ईंटें कहाँ से मिली हैं, डिजाइनदार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो डिजाइनदार जो ईंटें हैं भैया, हाँ ये वाला बताओ, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा से मिला है, बी चंद्रहुदूर से मिला है, सी मोहनजोदड़ो से मिला है, डी वनावली से मिला है। बताओ भैया ये वाला सिद्धांत बता दो, लास्ट क्वेश्चन है। इसकी इस क्वेश्चन की कीमत 1 पैसा है, आप लोग बताइए, 1 पैसा आपके पास भेजा जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बताओ भैया सिद्धार्थ कुमार, 1 पैसा कमाना है अगर तो ये बताना है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है, चनहुदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, डी वनावली से मिला है। नहीं बताओगे, 1 पैसा नहीं लेना है आपको क्या? एक पैसा नहीं लेना, इसका मतलब सैंधव 25 का सी सिद्धांत सही है। 1 पैसा आपके ऊपर हो गया मेरा, ठीक, मैं तुमको 1 पैसा जोड़ दूंगा, ठीक। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है वो कहां से मिला है भैया? वो कालीबंगा से मिला है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहां किया गया था भैया? कालीबंगा में किया गया था। ठीक भैया, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास समझ में आई आपको कि नहीं आई, ये बताइए भैया। सिद्धार्थ, महिपाल, योगेश, बताओ भैया ये क्लास समझ में आई कि नहीं आई? ठीक भैया, धन्यवाद धन्यवाद।